बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन और अपने हास्य अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले राजपाल यादव के फैंस के लिए बुरी खबर है। राजपाल यादव को लोन ना चुकाने के आरोप में दिल्ली की एक अदालत ने 3 महीने के जेल की सजा सुनाई है। ये लोन उन्होंने अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए लिया था। राजपाल यादव ने 2010 में दिल्ली की एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए लोन लिए थे। फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। यही वजह रही कि राजपाल यादव बिजनेसमैन को लोन नहीं चुका पाए। लोन ना चुकाने के बाद दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल की कंपनी श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट के खिलाफ केस दर्ज कराया। सजा का ऐलान होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल को तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। राजपाल यादव के साथ ये दूसरी बार है जब कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई हो। इससे पहले इसी साल अप्रैल में चेक बाउंस होने के एक मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। आपको बता दें कि राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा की कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस होने के 7 और मामले दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें। बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन और अपने हास्य अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले राजपाल यादव के फैंस के लिए बुरी खबर है। राजपाल यादव को लोन ना चुकाने के आरोप में दिल्ली की एक अदालत ने 3 महीने के जेल की सजा सुनाई है। ये लोन उन्होंने अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए लिया था। राजपाल यादव ने 2010 में दिल्ली की एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए लोन लिए थे। फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। यही वजह रही कि राजपाल यादव बिजनेसमैन को लोन नहीं चुका पाए। लोन ना चुकाने के बाद दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल की कंपनी श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट के खिलाफ केस दर्ज कराया। सजा का ऐलान होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल को तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। राजपाल यादव के साथ ये दूसरी बार है जब कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई हो। इससे पहले इसी साल अप्रैल में चेक बाउंस होने के एक मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। आपको बता दें कि राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा की कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस होने के 7 और मामले दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें।